डेंसिटोमीटर इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे। डेंसिटोमीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर्स द डिग्री ऑफ डार्कनेस और द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ फोटोग्राफिक सेमी ट्रांसपेरेंट मेटल और ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी इस प्रकार ये डेंसिटोमीटर जो है किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए काम में आता है। जो मेटेरियल है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का हो सकता है, ट्रांसपेरेंट मेटेरियल हो सकता है या फोटोग्राफिक मेटेरियल हो सकता है। इस प्रकार डेंसिटोमीटर जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ट्रांसमिशन टाइप डेंसिटोमीटर जहाँ ट्रांसपेरेंट मेटेरियल का मेजरमेंट किया जाता है, रिफ्लेक्शन टाइप डेंसिटोमीटर जहाँ रिफ्लेक्टेड वेव को मेजर करते हुए उसकी सरफेस की डेंसिटी और उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। डेंसिटोमीटर मुख्यतः एक ऑप्टिकल डिवाइस के रूप में है जहां एक लाइट सोर्स को स्पेसिमेन पे लाइट डालते हुए उसकी वेव्स जो लाइट वेव्स है उसको एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल या किसी डिटेक्टर के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। यानी कि लाइट सोर्स और फोटो सेल के मध्य जो सैंपल रखा जाता है उसकी डेंसिटी को आप ज्ञात कर सकते हो। जो आधुनिक डेंसिटोमीटर है उसमें इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट के काम में ली जाती है, जिससे कि जो वेवफॉर्म है उससे प्राप्त जो सिग्नल है उनको एक अप्रोप्रिएट लेवल पे आप रीडेबल मोड में ला सकते हो। ये एक सिंपल कंस्ट्रक्शन दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए कि एक सोर्स रेगुलेटेड पावर सोर्स लिया गया, उसकी सहायता से एक लैंप जो कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को इमिट करेगा। लैंप जो लाइट इमिट होगी एक विंडो के माध्यम से सैंपल जिसका आपको टेस्टिंग करना है उस पर गिराई जाती है। उसके बाद एक फिल्टर काम में लेते हैं जो कि अनवांटेड वेवलेंथ है उनको रिमूव करते हुए जो आपके आवश्यक वेवलेंथ की लाइट है उसको पास होने देगा और वो लाइट आपके फोटो रजिस्टर पे गिरेगी, यानी जो फोटो सेल है उस पे गिरेगी जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से कनेक्टेड है। इसके कारण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करंट में वेरिएशन होगा और उसको आप किसी भी माध्यम से चाहे डिजिटल डिस्प्ले हो या गैलोनिक मेथड हो उससे आप मेजर कर सकते। जो डेंसिटोमीटर का आपने देखा इसकी जो जानकारी आपने देखी डायग्राम में वो इस स्लाइड पे दिखाई जा रही है, जिसको कि आप अगेन देख सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो डेंसिटोमीटर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट काम में ले उसमें लॉगरिथमिक एम्पलीफायर और डिजिटल डिस्प्ले काम में लेते हैं। तो लॉगरिथमिक एम्पलीफायर इसलिए काम में लिया जा रहा है कि जो लॉगरिथमिक एम्पलीफायर है जो ह्यूमन बीइंग है जो उसकी रीडिंग ले रहा है या जो उसको देख रहा है वो कंपेटिबल मोड में रहे। यानी जैसा कि आप जानते हो ह्यूमन आई का जो रेस्पॉन्स होता है वो लॉगरिथमिक होता है, इसलिए जो विजुअल इफेक्ट है वो सिमिलर देख सके। लॉगरिथमिक एम्पलीफायर के बाद हम देखेंगे इसकी उपयोगिता जो डेंसिटोमीटर है वो कहाँ कहाँ काम में आता है। ब्लड एनालाइजर जहाँ की फोटोमीटर काम में लिया जा रहा हो वहाँ पे आप डेंसिटोमीटर काम में ले सकते हैं। जीन स्टडी के अंदर डेंसिटोमीटर काम में आता है।
इसी तरह ऑस्टियोपोरोसिस रोग में एक्सरे बोन की डेंसिटोमीटर को एक्सरे डेंसिटोमीटर काम में लेते हैं। और इंडस्ट्रियल जहाँ पे आप कलर, वास्तविक जो कलर चाहिए उसकी क्वालिटी को वेरीफाई करने के लिए भी आप डेंसिटोमीटर काम में ले सकते हैं। इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी में काम में लेते हैं जिससे कि मेटल की थिकनेस उसको सही जांचा जा सके। ये प्रिंटिंग एरिया में डेंसिटी डॉट कैन डॉट एरिया इंक ट्रैपिंग इनकी जानकारी के लिए भी डेंसिटोमीटर काम में लेते हैं। कलर सेचुरेशन की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी डेंसिटोमीटर काम में लिया जाता है। और प्रिंटिंग इक्विपमेंट जो है प्रिंट इंडस्ट्री में उनके कैलिब्रेशन के लिए भी डेंसिटोमीटर काम में लिया जा सकता है। इस तरह आपने डेंसिटोमीटर की सामान्य जानकारी और उसके उपयोग देखें। थैंक यू।